पानीपत के पशुपालक नरेंद्र सिंह को पद्मश्री अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि पशुपालन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए नरेंद्र सिंह को देश के राष्ट्रपति ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। नरेंद्र सिंह की इस उपलब्धि से उनके गांव डिडबाड़ी में खुशी का माहौल बना हुआ है। नरेंद्र सिंह के गाँव पहुँचने पर ग्रामीणों ने नरेंद्र सिंह को खुले जीप में बिठाकर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। पूरा गाँव नरेंद्र सिंह की एक झलक पाने को बेताब था। मैंने अपने जो मुर्रा नस्ल का जोटा तैयार किया था उसे मैंने ये सोच लिया था कि ये बहुत एक अच्छा जोटा है। मैंने 2003-04 में फिर उसमें प्रदर्शन में भाग लेना शुरू किया तो 2011 तक वो इस पूरे हिंदुस्तान का चैंपियन रहा। उसके साथ साथ उसके और बेटे काफी तैयार किए और कई अच्छी भैंसे की है जो कि प्रदर्शनी हरियाणा में या कोई दूसरी स्टेट में कोई प्रदर्शनी ऑल इंडिया की हुई तो उसमें मेरे पशु कम से कम भी 2-3 पशु जो कि हर मेले के अंदर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पोजिशन पर रहे। देखो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे को पद्मश्री अवार्ड मिलेंगे तो सरकार का हम धन्यवाद करते हैं जो कि पहली बार पशुपालकों या किसानों को पद्मश्री अवार्ड देने का कदम उठाया। हम इसके बहुत बहुत आभारी हैं। पहली बार पशुपालक को जो पूरे भारत में पद्मश्री अवार्ड दिया आज मेरे को ही पद्मश्री अवार्ड पशुपालन के क्षेत्र। पहले यह सपना देखा था और यह सपना साकार हो गया। मैंने तन मन धन से पूरी प्रतिज्ञा की थी, ये कार्य किया था, इसमें हम आज सफल हो गए। गांव में भी बहुत खुशी हुई है, गांव के लोगों को हमें पद्मश्री अवार्ड मिला है, आज हम और भी ज्यादा खुश हैं। सर ये नरेंद्र जी भी पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, इनको बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी है और उसी का फल आज इनको मिला हुआ है। कुछ जितना हेल्प हो सकते हैं हमारे वो किया है, ट्रीटमेंट के लिए भी और खुद भी बहुत केयरिंग है ये एनिमल्स के लिए अपने, इसलिए जहाँ भी गए हैं तो इनाम जीत के लेके आए हैं। बहुत ज्यादा है, लोग बहुत खुश हैं गांव के पूरा पानीपत, और आई थिंक ये पूरी हिस्ट्री में है शायद कि एक मुर्रा पशुपालक को पूरे इंडिया में पद्मश्री अवार्ड पहली बार मिला है। सर देखिए जो आज इनको ये अवार्ड मिला है ये देखने में ऐसा लगता है कि इन्होंने काम किया है और ये आज इनको मिला है, फल मिला है, लेकिन अगर आप सही मायने में देखें तो ये बहुत मुश्किल काम है। पशुपालन कोई आसान काम नहीं है और इस काम में 20 साल से निरंतर ये लगे हुए हैं, पूरे अथक प्रयास इन्होंने किए हैं। डिपार्टमेंट की जितनी स्कीम्स हैं उनमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। डिपार्टमेंट ने भी पूरा कोशिश की है कि इनको बूस्टअप किया जाए, आगे बढ़ने में मदद करें, और क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे देश में पहला ही है पशुपालन में, शायद फर्स्ट टाइम है कि पद्मश्री किसी को अवार्ड दिया जा रहा है।